संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सहित हमारे सारे पूर्वजों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 बरस बाद हम ऐसे कठिन दौर का सामना करेंगे। जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही। संसद और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों से हमारे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन याद रखना होगा कि हमारा संविधान भवनों से नहीं, भावनाओं से बचेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। हमने पिछले 7 दशकों में एक बड़ी दूरी तय की, कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया है। लेकिन हम अपने पूर्वजों के सपनों से अभी भी बहुत दूर हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो प्रण हमने किया था, उसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पिछले कुछ समय से हमारे देश को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आज देश दो रास्ते पर खड़ा है, गरीब विरोधी, देश विरोधी। जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही है। अच्छी सोच पर गलत सोच आवी होती जा रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही है और लोकशाही पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के युवा, हमारे आदिवासी, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, दुकानदार और छोटे व्यापारी, हमारे जवान सभी अपना मुंह बंद रखे। वे देश का मुंह बंद रखना चाहते हैं। 2 वर्ष बाद हमारी आज़ादी को 75 बरस पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अध्यक्ष जेवी मवलंकर जी और संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सहित हमारे सारे पूर्वजों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 बरस बाद हम ऐसे कठिन दौर का सामना करेंगे। जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम एक नए विधानसभा भवन की बुनियाद रख रहे हैं और यही वह दिन है जब हम अपने लोकतंत्र की बुनियाद को सुरक्षित रखने की शपथ लें। हम आज शपथ लें कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, हम कतार के अंतिम व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार के फैसलों से अंतिम व्यक्ति का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। 15 बरस की लंबी अवधि के बाद छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे तमाम साथियों को शहादत देनी पड़ी। पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो हुआ वह उदाहरण है कि एक दिशाहीन और विचारहीन सरकार जनहित के बारे में कभी नहीं सोच सकती। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन कुशासन ने इस राज्य को देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में तब्दील कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सही दिशा में काम करना शुरू किया है, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, बस्तर के आदिवासियों की जमीन लौटाना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधान न्याय योजना तक का सफर 1.5 साल में पूरा करना सराहनीय कदम है। कुपोषण के खिलाफ अभियान से लेकर हाट बाजार में इलाज और दवा का इंतजाम करने की योजना बनी है। तेंदूपत्ता के मजदूरों को उनकी मेहनत का सही भुगतान हो रहा है। यह खुशी की बात है कि भूपेश बघेल जी अपने सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ में समावेशी दृष्टिकोण से लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। यही सरकारों का कर्तव्य भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.